हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एफ एस करे क्लासेस आगरा में। हम एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है आपका इन्वायरमेंट या पर्यावरण। यहाँ पर हम जानते हैं पर्यावरण का क्या अर्थ होगा। अगर बात करें पर्यावरण के अर्थ के बारे में, जैसा कि हमें पता है कि पर्यावरण जो है दो शब्दों को मिला के बना है, परिधन आवरण, जिसमें परि का अर्थ है चारों ओर और आवरण का अर्थ है घेरा हुआ या घेरना, घेरा हुआ या घेरना। तो हम कह सकते हैं कि जीवों के चारों ओर का वह क्षेत्र पर्यावरण कहलाता है जो उस पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है। जैसा कि इसके अर्थ से मालूम होता है कि जीवों के चारों ओर का वह आवरण या वह क्षेत्र पर्यावरण कहलाता है जो उस पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है, पर्यावरण कहलाता है। अब जानते हैं हम लोग कि पर्यावरण किन से मिलकर बना है, यानी पर्यावरण बनता है पर्यावरण के घटक से। और पर्यावरण के जो घटक हैं, ये दो घटक बताए जाते हैं, जैसे कि पहला है प्राकृतिक घटक और दूसरा है मानव निर्मित घटक। प्राकृतिक घटक और मानव निर्मित घटक। प्राकृतिक घटक के अंतर्गत उन सभी चीजों को शामिल करते हैं जो हमें प्रकृति ने दी हैं, जैसे कि जैविक घटक और अजैविक घटक। प्राकृतिक घटक दो प्रकार के हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक, जबकि मानव निर्मित घटक में उन सभी चीजों को शामिल किया जाएगा जो कि मानव ने खुद बनाई हैं, जैसे कि इमारतें, पुल, सड़क, पार्क, स्कूल, परिवार और संस्कृति, ये सभी मानव निर्मित घटक में शामिल की जाएंगे। तो जो पर्यावरण है उसके दो घटक बताए जाते हैं, एक प्राकृतिक घटक और दूसरा मानव निर्मित घटक। प्राकृतिक घटक के अंतर्गत जैविक घटक आते हैं, जो सजीव वस्तुओं का संसार जो है वो जैविक घटक है, और जो निर्जीव वस्तुओं का संसार जो है वो अजैविक घटक है। अगर बात की जाए कि जैविक घटक के अंतर्गत क्या क्या चीज शामिल की जाती है, तो जैविक घटक के अंतर्गत हम शामिल करते हैं पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को। पेड़ पौधे और जीव जंतु शामिल की जाते हैं जैविक घटक के अंतर्गत, जबकि जो अजैविक घटक है उसमें हम शामिल करते हैं उन सभी चीजों को जो कि इस वातावरण में, इस पर्यावरण में निर्जीव तौर पर हैं, जैसे कि प्रकाश, ताप, मिट्टी, नमी, जल और वायु, ये सभी अजैविक घटक के अंतर्गत आती हैं। अजैविक घटक अबायोटिक कंपोनेंट, जैविक घटक बायोटिक कंपोनेंट। अब जानते हैं कि ये पर्यावरण जो है किन किन क्षेत्रों को मिलाकर बना है, यानी कि कौन कौन से पर्यावरण के क्षेत्र होंगे। पर्यावरण के चार क्षेत्र हैं, यानी पर्यावरण को चार क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें पहला जो क्षेत्र है इसे हम कहते हैं स्थल मंडल या लिथोस्फीयर,
दूसरा जो क्षेत्र है इसे हम कहते हैं जलमंडल या हाइड्रोस्फीयर, तीसरा क्षेत्र है इसे कहते हैं हम लोग वायुमंडल या एटमॉस्फेयर, और चौथा क्षेत्र है आपका जैवमंडल या बायोस्फेयर। तो इस प्रकार से पर्यावरण के चार क्षेत्र बताए गए हैं। अब जानते हैं कि स्थलमंडल के अंतर्गत क्या चीजें आती हैं, जलमंडल के अंतर्गत क्या चीजें आती हैं और क्या चीजें आती हैं वायुमंडल के अंतर्गत और क्या चीजें आती हैं जैवमंडल के अंतर्गत। थोड़ा सा रफ कर लेते हैं पहले हम लोग, फिर जानते हैं हम लोग आगे के बारे में। जैसा कि हम जान रहे हैं कि स्थल मंडल के अंतर्गत वो सभी चीजें आती हैं जो इस स्थल पर, इस पृथ्वी पर, इस भूपर्पटी पर स्थित हैं। जैसे कि सात स्थलखंड जिन्हें हम महाद्वीप कहते हैं स्थल मंडल के अंतर्गत आते हैं, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, ये सभी स्थल मंडल के अंतर्गत आते हैं। अगर हम जाने स्थल मंडल के बारे में तो वहां पर हम पढ़ेंगे महाद्वीपों के बारे में, पर्वतों के बारे में, पठार के बारे में, मैदानों के बारे में और मरुस्थल के बारे में। इसके बाद हम जानते हैं कि क्या चीजें आती हैं जलमंडल के अंतर्गत। जलमंडल के अंतर्गत उन सभी जो सभी चीजें आती हैं, जैसे कि कहें तो महासागर, सागर, नदी और झीलें, ये सभी शामिल की जाती हैं जलमंडल के अंतर्गत। अगर बात कहें कि वायुमंडल के अंतर्गत क्या चीजें आती हैं, तो वायुमंडल के अंतर्गत चीजें आती हैं, वायुमंडलीय गैसें आती हैं, क्योंकि ये वायुमंडल जो है गैसों का एक आवरण है। वायुमंडलीय गैसें आती हैं, वायु का दबाव आता है, वर्षा आती है, इसमें बादल आते हैं और वायुमंडल की पांच परतें आती हैं, क्योंकि वायुमंडल को तापमान के आधार पर पांच परतों में बांटा गया है। अगर बात करें कि जैवमंडल के अंतर्गत क्या आता है, तो इस जैवमंडल के अंतर्गत जीव जंतु और पेड़ पौधों को शामिल किया गया है। जीव जंतु और पेड़ पौधे जैवमंडल के अंतर्गत आते हैं। जैवमंडल वह मंडल है जिस पर स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल तीनों की दशाएं पाई जाए, यानी कि जीवों को रहने के लिए, पेड़ पौधों को रहने के लिए जिस मंडल पर तीनों दशाएं पाई जाती हैं उसे जैवमंडल कह सकते हैं। जैसे कि ये जलमंडल है, ये वायुमंडल, ये स्थलमंडल। तो एक ऐसा मंडल जहां पर स्थलमंडल भी हो, वायुमंडल भी हो और जलमंडल भी हो, उसे जैवमंडल कहा जाएगा। बीच का क्षेत्र जो है ये जैवमंडल कहलाएगा, बायोस्फीयर कहलाएगा। तो इस प्रकार से जाना कि पर्यावरण के चार क्षेत्र हो गए, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। अब जानते हैं हम लोग कि पर्यावरण दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। जैसा कि जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, जो कि विश्व में पहली बार 1973 को मनाया गया था। इसकी शुरुआत कब से हुई? तो कह सकते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस की घोषणा मानव पर्यावरण स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान की गई, जो 5 जून 1972 में मनाया गया था।
ये जो मानव पर्यावरण स्टॉकहोम सम्मेलन है, यह है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण का पहला सम्मेलन था। पहला सम्मेलन था जो कि स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में मनाया गया था। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, अगला नेक्स्ट टॉपिक जानते हैं हम अपनी नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।